बेसिकली गर्मियों का टाइम है और गर्मियों के टाइम में हर कोई अपनी परफेक्ट आइसक्रीम की डेफिनेशन देता है। परफेक्ट आइसक्रीम जो है वो क्रीमी होनी चाहिए, एकदम क्रीमी वाली आइसक्रीम बताइए। नहीं, थोड़ा तो टेक्सचर होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ मुंह में आना चाहिए, और चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी तो सबको बतानी चाहिए ना। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और एक बढ़िया सी चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी के साथ हो जाइए तैयार एकदम फर्स्ट क्लास। अपना माइक्रोवेव निकाल लीजिए, बस बनाएंगे माइक्रोवेव आइसक्रीम म्यूजिक के बाद। Calling and action. तो ये माइक्रोवेव निकाल के आप तैयार हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं बता देता हूँ क्या बना रहे हैं। हम बना रहे हैं ब्राउनी बिट्स आइसक्रीम, यानी कि ऐसी आइसक्रीम जिसके अंदर ब्राउनी भी हो। ठीक है भाई, मुझे लगा चॉकलेट आइसक्रीम तो मतलब आपको पता ही होगा बहुत आसान है, साथ में एक माइक्रोवेव ब्राउनी की रेसिपी भी दे देता हूँ। ठीक है जी, अब इसके लिए जो आपको कुल चाहिए वो चाहिए एक कैन मिल्क मेड। ठीक है, इसी से आइसक्रीम बन जाएगी और इसी से ब्राउनी बन जाएगी। कैसे मैं दिखाता हूँ। तो भाई सबसे पहले लेना जी बटर। ठीक है, बटर उर्फ मक्खन। इस रेसिपी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पूरा एक कैन कंडेंस मिल्क जो है वो लग जाएगा, कुछ लग जाएगा ब्राउनी में जो माइक्रोवेव में पकेगी 3 मिनट के अंदर। मतलब मुझे लगा यार कुछ बोनस रेसिपी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ आइसक्रीम दिखा दी, अब लोगों को जो है ऑप्शन है ब्राउनी बना ले, चाहे तो आइसक्रीम में डालें चाहे ना डालें, है कि नहीं। ये लीजिए, देखिए चॉकलेट जो है वो भी फैट ही होता है और बटर जो है वो भी फैट होता है, इसलिए दोनों भाई जो है देखिए कैसे प्यार मोहब्बत से मिल चुके हैं, एकदम फर्स्ट क्लास में मिल गए। देखिए, देख रहे हैं आप। अब जो है ये मैदा है, ये है बेकिंग सोडा और ये है बेकिंग पाउडर, और जो क्वांटिटी जो है ना वो बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वांटिटी बड़ी नियंत्रित रखनी जो है बहुत ज़रूरी है। और हालांकि मैं वैसा शेफ हूँ जो बोलता हूँ भाई अंदाजे में चल लो, क्वांटिटी में कुछ नहीं रखा। ये ब्राउनी की रेसिपी में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, अंदाजे तो मैं अभी भी चल ही रहा हूँ बट फिर भी ये लीजिए। मैदे को थोड़ा सा हमने क्या किया, शॉर्ट कर लिया, क्योंकि क्या है चॉकलेट भी शॉर्टनिंग होती है, बटर भी शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग मतलब वसा से मिक्स कर लिया, फैट से मिक्स कर लिया। ठीक है ना, ये लीजिए। अब जो है ना ब्राउनी अपनी जो है ब्रेडी नहीं होगी, ब्रेडी होती अगर उसमें पहले पानी पड़ जाता, ये तो बताना मैं भूल गया भाई, अगर चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है तो फिर उसमें भी तो कुछ और किया जाए ना, तो इसलिए मैंने कैंडिड ऑरेंज ढूंढा है। टूटी फ्रूटी होती है ना, वही स्वाद है। चॉकलेट और ऑरेंज का जो मिलन है वो बड़ा ब्यूटीफुल मिलन, और कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम एक बार बात ज़रूर करेंगे कि चॉकलेट के साथ कौन से कॉम्बिनेशन जो है अनयूजुअल हैं और यूजुअल हैं लेकिन बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि हम लोग कई बार चॉकलेट के साथ अटक जाते हैं, हमें लगता है बस चॉकलेट डाल दी तो अब इसके साथ में क्या डालें, है ना। तो 2 मिनट आपको बता दूंगा, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकंड बता दूंगा। अब बारी है जी मिल्क मेड। अभी मिल्क मेड का सबसे बड़ा फ़ायदा जो बेकिंग में है कि अगर आप एगलेस डिशेस बना रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि मिल्क मेड इज़ योर बेस्ट सोल्यूशन, क्योंकि अंडे का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट स्ट्रक्चर देने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए, और जो एक क्रीमीनेस होती है ना येलो की, एग येलो की, वो क्रीमीनेस देने के लिए सबसे अच्छा जो सब्स्टिट्यूट है वो एक्चुअली मिल्क मेड है। और ये ज़रूर याद रखें कि जब आप ढक्कन निकालें तो ढक्कन निकालने के बाद जितना मिल्क मेड नीचे गिरता है डिज़ाइन बना बना के गिराते रहें, और बाद में जो है वो ढक्कन को साइड में रख लें, क्योंकि मिल्क मेड के ढक्कन को चाटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब ईशान और मैं ये बहुत करते हैं, हाँ, जब हम लोग बेकिंग करते हैं साथ में तो आधे हमारे कपड़ों में मिल्क मेड गिरा होता है चाट चाट के। ओके, जब अभी मिल्क मेड डालते हैं, अभी देखिए क्या है, ये समझ लीजिए कि इस कैन के कर लीजिए 3 हिस्से और एक हिस्सा जो है वो इसमें डाल दीजिए, और ये लो जी पानी। और पानी इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मॉइस्चर है ये मॉइस्चर बनाएगा भाप, और भाप से बनेगी एयर, और एयर से बनेंगे एयर बबल, और उससे बनेगा जाला, और उसकी वजह से आपकी ब्राउनी में आएगी वॉल्यूम। वॉल्यूम अर्थात आपकी ब्राउनी जो है उसमें उठाव जो है इस पानी के स्टीम से आएगा। और बाकी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा तो आपने डाला ही हुआ है, कभी भी कोई भी डो या बैटर जितना लूज़ होता है उसमें स्टीम का एरेशन उतना ज़्यादा हो जाता है, बेसिक सी चीज़ है। इसलिए आजकल हम बहुत ढीले डोज से ब्रेड्स बनती हैं, डो संभलता ही नहीं है हमसे, उसका मकसद ये होता है कि जो एयर पॉकेट्स हैं वो स्टीम से भी बने। देखिए मस्ती चलती रहनी चाहिए, घर पे बेकिंग का मतलब जो है वो मस्ती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि बेकिंग तो अवन ने करनी है, हैं, हमने मस्ती करनी है। तो जी ये हमारा ब्राउनी का मिक्सचर, नहीं नहीं ऑरेंज चॉकलेट ब्राउनी का मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये जाएगा भगवान आपका भला करे माइक्रोवेव में हाई पावर पे।
यानी कि 900 वॉट पे 3 मिनट, ठीक है। हाई पावर मतलब जो भी आपकी हाईएस्ट पावर उसको सेट कर लीजिए, 3 मिनट के लिए डाल दिए। ढकने की कोई जरूरत नहीं है, ढकेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, अपने आप गुईनेस आ जाएगी क्योंकि हमने मिल्क में डाला हुआ है। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं 3 मिनट के बाद। एक काम करिए, 3 मिनट तक आप सुन लीजिएगा चॉकलेट के साथ जाता क्या क्या है, व्हाट आर द कॉम्बिनेशन दैट वर्क विद चॉकलेट। देखिए एक बेसिक समझ लीजिए, चॉकलेट जो है वो एफ एन एफ के साथ जाती है, यानी कि फ्रूट्स एंड फ्लेवर्स के साथ बड़ी अच्छी जाती है। अब कौन से फ्रूट्स और कौन से फ्लेवर्स, मैं समझा देता हूँ। फ्लेवर्स जो है वो एक और एफ उनके आगे लगा हुआ है, फ्रेश फ्लेवर्स। फ्रेश फ्लेवर में आप मिंट भी डाल सकते हैं, चिली भी डाल सकते हैं, जिंजर भी डाल सकते हैं। फ्रेश फ्लेवर्स एंड चॉकलेट गोज वेरी वेरी वेल, मिंट और चॉकलेट तो मतलब कमाल का। सिट्रस फ्लेवर्स जो बहुत फ्रेश होते हैं उनके साथ बहुत अच्छी जाती है। अब अगर फ्रूट्स की बात करें तो एनीथिंग दैट हैज़ अ किक, जिसमें भी थोड़ी सी किक होगी जो चॉकलेट की एसिडिटी को एनहेंस करेगा, चाहे हल्की सी मैंगो की खटास, चाहे हल्की सी बेरी की खटास, चाहे सिट्रस में ऑरेंजेस, हल्का सा लेमन, ग्रेप फ्रूट, ये सारे फ्रूट्स जो हैं ये बहुत अच्छे से चॉकलेट के साथ जाते हैं। जो मीठा है लेकिन उसकी हल्की सी खटास चॉकलेट की एसिडिटी को इन्हेंस कर रही है, दैट्स गोना बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन फॉर चॉकलेट। हमेशा याद रखिए कि चॉकलेट की मिठास को बढ़ाने वाले फ्रूट नहीं डालने, चॉकलेट की खटास को बढ़ाने वाले फ्रूट डालने, क्योंकि खटास जो है वो चॉकलेट की कड़वाहट और चॉकलेट की मिठास के बीच में एक ब्रिज बना देती है। इट मेक्स ईटिंग चॉकलेट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। देखिए 3 मिनट माइक्रो मारा और मामला कितना खूबसूरत हो गया। यहाँ से देखिए ना आप, साइड से देखिए क्या एकदम बढ़िया टेक्सचर है, देख रहे हैं आप, ये देखिए पता लग रहा है जाला फर्स्ट क्लास बना हुआ है। अब इसको डालना है आइसक्रीम में, तो आइसक्रीम में डालने के लिए इसको करेंगे गर्म, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, मैं चूल्हे पर रख के आ जाता हूँ, ठंडा करेंगे, फ्रिज में डाल रहा हूँ। देखिए बेसिकली क्या किया मैंने, मैंने ली 300 ml क्रीम, 300 ml में से 50 ml तो मैंने यहाँ पे कर ली गर्म। ये व्हिपिंग क्रीम है, हाँ व्हिपिंग क्रीम, लेकिन डेयरी वाली। आइसक्रीम बनाते समय नॉन डेयरी क्रीम ना लें, क्योंकि नॉन डेयरी क्रीम में होता है फैट, सोया ऑयल होता है बेसिकली, या किसी भी किस्म का ऑयल होता है, और वो जो ऑयल होता है कभी जमता नहीं है। तो बेसिकली याद रखिए आइसक्रीम बना रहे हैं तो आपको लेनी है डेयरी व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आपको नहीं लेनी, ठीक है जी, क्योंकि उसमें तेल होता है वो जमता नहीं है। और ये जो है मेल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है चॉकलेट, ये चॉकलेट आप अनमेल्टेड भी डाल सकते हैं। हमने क्रीम इसीलिए गर्म करी है कि उसमें जो है चॉकलेट को हम मेल्ट कर सकें, तो अगर आप अनमेल्टेड चॉकलेट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं आप। अब तो बहुत सिंपल है जी रेशियो, 250 ml मिल्क मेड यानी कि 2/3 कैन ऑफ मिल्क मेड, 250 ml व्हिप क्रीम जो कि व्हिप करी हुई है, उसको बर्फ पे डाल के व्हिप किया हुआ है मैंने खूब, वो लेनी है और इसमें मिक्स कर देना है, ठीक है जी, नो रॉकेट साइंस, पहले ही कह रहे थे। 250 ml, 250 ml, 50 ml गरम करी, उसके अंदर चॉकलेट डाली और कोको पाउडर डाला। क्वांटिटीज यहाँ भी देख लीजिएगा, मोटा मोटी एक चम्मच इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट लाइक बेकिंग। मेन चीज़ क्या है, शुगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आइसक्रीम में शुगर ज़्यादा हो जाता है तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब बहुत लेट जमती है, और घर के फ्रिज में कई बार जमती नहीं है वो आइसक्रीम, और अगर जमती भी है तो बहुत जल्दी पिघल जाती है, और अगर शुगर कम होगी तो आइस क्रिस्टल्स हो जाएंगे। शुगर आपकी आइसक्रीम की क्रीमीनेस को डिटरमिन करती है, हमें पता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्रीम ये सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं, एक्चुअल क्रीमीनेस जो आइसक्रीम की है वो शुगर से डिटरमिन होती है, यानी कि आइसक्रीम में शुगर न ज़्यादा न कम। बाकी का कंडेंस मिल्क, देखिए कोको पाउडर है कलर के लिए, ठीक है, मतलब 50 ग्राम चॉकलेट और 20 ग्राम कोको पाउडर। ये देखिए कोको पाउडर जो है ना वो चॉकलेट आइसक्रीम में रंग में मदद करता है। और अब चॉकलेट, अब अगर आप डायरेक्टली मेल्टेड चॉकलेट डालते तो उसके लंप बनने के चांसेस थे, क्योंकि गर्म चॉकलेट अगर ठंडे में जाती है तो जम जाती है ना तुरंत, अब जमेगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रीम के अंदर मिक्स कर दी। बेकिंग जो है कन्फेक्शनरी जो है वो गाड़ी उल्टा चलाने का तरीका है, मतलब समझ लीजिए कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट से आपको वापस कैलकुलेशन करके आना पड़ता है। कुकिंग जो है वो आप स्टार्ट करते हैं और एंड तक जाते हैं, बेकिंग में आप दिमाग में पहले एंड पे पहुंचते हैं और वापस धीरे 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 यहाँ तक आते हैं, बस यही फ़र्क है बेकिंग और कुकिंग में। मतलब हम कुक्स जो है ना हॉट किचन वाले, वो ये भी कह सकते हैं कि बेकिंग वाले जो है उल्टा चलते हैं,
ये हमेशा रहता है, हर होटल में रहता है। आग वाले शेफ और ओवन वाले शेफ के बीच की जो जद्दोजहद है ना, ये सब जगह रहती है। ये लीजिए अपनी ब्राउनी भी आ गई ठंडी होके। इसको ओए देखिए कि ये टेक्सचर देखिए आप, क्या फर्स्ट क्लास टेक्सचर। देखिए छोटे छोटे काटने हैं ब्राउनी, बड़े बड़े काटेंगे तो जो है ब्राउनी वो बैठ जाएगी नीचे, आइसक्रीम आ जाएगी ऊपर, ठीक है जी। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे काटने हैं ताकि ब्राउनी मिक्स हो जाए। दूसरा क्या है, चॉकलेट हमने जो डाल दी ना, चॉकलेट जम रही है ऑलरेडी, मेल्टेड चॉकलेट आइसक्रीम के मिक्सचर में ऑलरेडी जम रही है, तो उस वजह मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो रहा है, तो उस वजह से भी वो ब्राउनी को सपोर्ट कर लेगा। अब जो है कुछ ब्राउनी बिट्स अंदर, वाह, और कुछ जो है हम ऊपर से डाल देंगे। बेसिकली कोई भी डब्बा ले सकते हैं आप, बस ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो फ्रीजर प्रूफ होना चाहिए, समझे आप, वरना डब्बा जो है वो फ्रीजर में जाएगा चटक और मेहनत हो जाएगी खराब, और फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये एकदम लबालब भर दिया डब्बा, देखिए ऐसा लग रहा है कि डब्बे के लिए रेसिपी या रेसिपी के लिए डब्बा बना हुआ है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अब आइसक्रीम में मिल्कमेड जो है दो काम करता है। आमतौर पर हम हमेशा कहते हैं कि अच्छी आइसक्रीम अगर आपको बनानी है तो आपको शुगर को कुक करना चाहिए, राइट, बिकॉज क्रीमीनेस जो है वो कुक शुगर से आती है। यहाँ पे मिल्कमेड में आपको कुक शुगर का भी काम हो गया। और दूसरा अच्छी आइसक्रीम में आपको अंडा डालना चाहिए, क्योंकि अंडे से लीवनिंग यानी कि राइस तो आता ही है, साथ में अंडे से एक रिचनेस आती है। तो वो रिचनेस और कुक्ड शुगर की जो प्रॉब्लम है, दोनों की प्रॉब्लम एक मिल्कमेड सॉल्व कर देता है, समझा। तो बेकिंग में उसलिए और आइसक्रीम में इसलिए। और ढक्कन लगाइए और प्रभु के गुण गाइए। अब इसको फ्रिज में छोड़ते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं आइसक्रीम बनने के बाद। और पहले ही बता रहे हैं कि अगर ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बड़ी अच्छी बनेगी। ओवरनाइट मतलब अगर कल मेरे कपड़े चेंज हो तो सरप्राइज मत होइएगा भाई, मतलब ये वो वाला काम नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए रणवीर भाई कपड़े पहनो, वो कुछ नहीं है, आपको पता है। तो ये देखो नहा धो के सजज के आ गया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो क्या दिन बदल जाएगा, आइसक्रीम वही रहेगी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और एकदम बढ़िया सी ब्राउनी की रेसिपी आपने देख ली, आइसक्रीम मैंने बना ली। नाउ यू कैन नॉट जस्ट हैव योर चॉकलेट बट ईट इट टू। लेके आता हूँ फ्रिज से। अब बताइए कि मजा कैसे ना आए जब ऐसी आइसक्रीम आपके सामने आए। इसका जो स्टार है ना, पता है क्या है इसका जो स्टार है, वो है ऑरेंज, जो कैंडीड ऑरेंज डाला ना, ऑरेंज और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है, पता ही आपको। एक चीज मैं और करूंगा, नेक्स्ट टाइम कुछ ब्राउनी जो है मैं क्रम्बल करके भी डाल दूंगा, डाइस करी हुई है ना, 70% डाइस 30% ऐसे क्रम्बल करके डाल दूंगा, वो क्या आइसक्रीम को सोक कर लेगी, अंदर तक फ्लेवर जाएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट, आइटम बहुत अच्छा बना है। और ये जो क्रीमीनेस है ना, ये क्रीमीनेस, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अगर आप बगैर अंडे की आइसक्रीम में बगैर मिल्क मेड के ऐसी क्रीमीनेस ला के दिखा दें तो मुझे मुड़वा लूँगा। मिल्क मेड से जो आइसक्रीम में क्रीमीनेस आती है ना साहब, क्या पहले भी कंडेंस मिल्क यूज़ करता लेकिन अब चौड़े में बोल सकता हूँ मिल्क मेड, ये फर्क है।